नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। क्रिकेट जब कोई खिलाड़ी शुरू करता है तो सभी का सपना होता है कि किसी टीम के लिए खेले, साथ ही घरेलू टीम से लेकर के नेशनल टीम तक का खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है। लेकिन जो पाकिस्तान से इस वक्त की खबर सामने आ रही है वो बड़ी खबर आपको बताएं तो टीम में चयन ना होने के कारण एक तेज गेंदबाज ने अपनी जान लेने की कोशिश की। पूरा मामला है पाकिस्तान के दक्षिण प्रांत हैदराबाद का। वहाँ शोएब नाम के तेज गेंदबाज रहते हैं और जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की घरेलू टीम इंटरसिटी चैंपियनशिप में उनका चयन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद अपने घर पर कलाई काट करके जान लेने की कोशिश की। परिवार वालों की सूझबूझ से उनकी जान बची, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि घर के एक सदस्य ने जानकारी दी है कि कोच ने उन्हें घरेलू टीम के ट्रायल के लिए मना कर दिया और शोएब नाम के तेज गेंदबाज ने जब टीम के लिए ट्रायल नहीं दिया तो वो निराश हुए। उसके बाद घर आकर उन्होंने कलाई काटकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, अपनी कलाई काटकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद घर का एक सदस्य उनके कमरे में पहुंचा जहां पर शोएब गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में वहां पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें घर वाले अस्पताल लेके गए और इसके बाद उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से ऐसा पहला मामला नहीं है जहां पर ऐसी कोई खबर सामने आई हो खिलाड़ी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी साल 2018 में अंडर 19 के खिलाड़ी ने इसी तरीके का प्रयास किया था। वह टीम में अपना ट्रायल देना चाहते थे, चयनित होना चाहते थे, लेकिन इसके बाद जब उनका चयन नहीं हुआ तब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। इस वक्त की बड़ी खबर ये पाकिस्तान से। बहरहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।